हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 23 मई 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और इसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नाउल्ट। तो प्रश्न संख्या एक, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में बर्नार्ड अर्नाउल्ट शीर्ष पर रहे हैं। प्रश्न संख्या दो है कि हाल ही में BARC ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजीव पुरी को, ऑप्शन बी महेश राजा रमन को, ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त को। तो प्रश्न संख्या दो, हाल ही में BARC ने माप विज्ञान का प्रमुख डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या तीन है कि हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलीपींस को एक देश के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। प्रश्न संख्या चार के हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो प्रश्न संख्या चार, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या पाँच है कि हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए BRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? ऑप्शन ए असम ने, ऑप्शन बी मणिपुर ने, ऑप्शन सी गुजरात ने और ऑप्शन डी झारखंड ने। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में असम राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब ऑप्शन ए असम। प्रश्न संख्या छः है कि हाल ही में किसने AI फीचर के साथ को पायलट प्लस PC लॉन्च किया है? ऑप्शन ए FSA AI, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी UNDP और ऑप्शन डी ITC। तो प्रश्न संख्या छः का जो सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में AI फीचर के साथ को पायलट प्लस PC माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या सात, कि हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलोर। प्रश्न संख्या आठ है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए सियोल में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में और ऑप्शन डी सिंगापुर में। तो प्रश्न संख्या आठ का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सियोल में, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम हुआ है। प्रश्न संख्या नौ है कि हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए उर्मला बरुआ, ऑप्शन बी महेश राजा रमन,
ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उर्मिला बरुआ। कौन से रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। प्रश्न संख्या 10 के हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं। ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत और फ्रांस देश की सीमाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। प्रश्न संख्या 11 ये हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। ऑप्शन से ए FSSAI ने, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन सी UNDP ने और ऑप्शन डी IIT जयपुर ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट की पेशकश IIT जयपुर द्वारा की गई है। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 13 के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 20 मई को, ऑप्शन बी 15 मई को, ऑप्शन सी 14 मई को और ऑप्शन डी 22 मई को। तो प्रश्न संख्या 23 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई गई। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब जगह ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन से यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी UNDP। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को। प्रश्न संख्या 15 किसके संस्थापक रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन से नेस्ले, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी नेचुरल आइसक्रीम और ऑप्शन डी स्विगी। तो प्रश्न संख्या 15 नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 किस भारतीय मुक्केबाज ने एलोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन से उर्मिला बरुआ, ऑप्शन बी महेश राजा रमन, ऑप्शन सी निखत जरीन और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निखत जरीन ने एलोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 17 नासा ने अमेरिका की एरिजोना में किसकी फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस होता है। प्रश्न संख्या 17 नासा ने अमेरिका की एरिजोना में किस फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। ऑप्शन से चंद्रकांत, ऑप्शन बी चंद्रयान 2, ऑप्शन सी आर्टेमिस 3 मिशन और ऑप्शन डी आदित्य। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टेमिस 3 मिशन। प्रश्न संख्या 18 DPIIT की राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद में किसका उद्घाटन किया गया है।
ऑप्शन से सौर उपक्रम का, ऑप्शन बी इनक्यूबेशन सेंटर का, ऑप्शन सी मेगामार्ट का और ऑप्शन डी सभी का। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इनक्यूबेशन सेंटर का। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया है? ऑप्शन से संजीव पुरी को, ऑप्शन बी महेश राजारमन को, ऑप्शन सी प्रणव वेंकटेश को और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त को। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महेश राजारमन को। प्रश्न संख्या 20 के, हाल ही में किसे एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से इसके लिए ऑप्शन ए है संजीव पुरी को, ऑप्शन बी महेश राजारमन को, ऑप्शन सी जॉन स्लेवन को और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त को। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष जॉन स्लेवन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कि हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? ऑप्शन से संजीव पुरी को, ऑप्शन बी महेश राजारमन को, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर को और ऑप्शन डी चंद्रकांत गुप्त को। तो प्रश्न के जो 21 है कि हाल ही में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 23 मई 2024 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।